वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आप हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट में जो है वर्किंग चल रही है। सबसे अच्छी बात यह है कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट में जो वर्किंग जो काफ़ी तेज़ी से चली चाहिए, जो वर्किंग फास्ट होनी चाहिए, वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है काम। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी ब्रिजेस बन चुके हैं, यानी कि काफ़ी जो ब्रिज जिसके ऊपर से जो है पुल बनेगा मेट्रो ट्रेन को चलने के लिए रोड के ऊपर, वो बन चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कानपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में आप जो देख रहे हैं कानपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में, सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों को जो है यातायात के क्षेत्र में कानपुर सिटी के अंदर, यानी कानपुर नगर में कानपुर सिटी के अंदर IIT और मोतीझील और वंदना रामादेवी, मतलब सभी जगह पे जो है ये स्टार्ट होगा। और ये एक वर्किंग काफ़ी इतनी तेज़ी से चली है कि रावतपुर तक जो है मेट्रो ट्रेल कॉरपोरेशन तक जो है पहुंच गया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो ब्रिजेस बनने चाहिए वो ब्रिजेस का काम काफ़ी तेज़ी से चला है, जिसकी वजह से ऐसे एक्सपेक्टेशन ऐसे उम्मीद की जा रही है कि 2021 तक ये वर्किंग जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बात, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि जिससे लोगों को जो एक्सपेक्टेशन जो उम्मीदें हैं मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से, वो उम्मीदें पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट था आपको ये बताना कि कानपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ये वर्क बहुत अच्छे से चल रहा है और ये जल्द कंप्लीट हो सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियो से नोटिफिकेशन होती रहे। प्लीज सब्सक्राइब नॉलेज एंड फॉर वर्ड ऑफ नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड फॉर। आप सब देख रहे हैं कि कानपुर मेट्रो कंस्ट्रक्शन काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और साथ साथ जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ कानपुर मेट्रो में जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सब देख रहे हैं वर्क है वो काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट हो चुका है। और ये आप देख रहे हैं कि IIT के पास वाला जो चौरा है वहाँ, यहाँ पे कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का काम कर रही चल रही है, काफ़ी तेज़ी से चल रही है। और इसके लिए जो है लोगों को जो है यातायात क्षेत्र में जो है काफ़ी आनंद मिलेगा, क्योंकि जो है कानपुर मेट्रो से जो लोग हैं वो लोग काफ़ी तेज़ी से, बात यह है कि इससे लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन 2021 तक की जो वर्किंग है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि आपको बताना कि ग्रीन मेट्रो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आप साथ साथ देख रहे हैं कि मेट्रो का काम कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं वर्क मशीनें तो अच्छे से वर्क कर रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम आपको ये दिखा रहे हैं साथ साथ कि लाइट्स चलती हैं, मतलब डे एंड नाइट दोनों जो है वर्किंग चल रही, तभी जो है लाइट्स के भी प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से, जिसमें कि लोगों को जो है दिक्कत भी ना हो और मेट्रो का काम भी जो है काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट रहे, मतलब काफ़ी तेज़ी से जो है वर्क चलता रहे, जिससे कि प्रोग्रेस होते होते 2021 में जो है कानपुर सिटी के जितने भी लोग हैं वो मेट्रो रेल का कॉरपोरेशन कर रहे हैं, मेट्रो का लुत्फ या आनंद उठा सकें।